फ्रेंड्स, वेलकम टू वैश्य कुकिंग। तो आज हम बनाएंगे कच्चे आलू का बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता, जो कि आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। इसके लिए मैंने दो मीडियम साइज़ के कच्चे आलू लिए हैं। सबसे पहले इसके हम छिलके निकालेंगे। छिलके निकालने के बाद इनको हम कद्दूकस कर लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक टिफ़िन का बाउल है, मैंने यहाँ थोड़ा पानी ले लिया है और एक ग्रेटर की सहायता से हम इसको यहाँ पे ग्रेट कर लेंगे। पानी में इसलिए ग्रेट कर रहे हैं जिससे कि आलू का रंग जो है वो काला ना पड़े, इसलिए हम इसको पानी में डायरेक्ट ग्रेट कर लेंगे। तो इसी तरीके से आपको आलू को ग्रेट कर लेना है। आलू को हमने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है, इसको अच्छे से वॉश कर लें। अब हम कढ़ाई चढ़ाएंगे, इसमें डालेंगे हम 2 से 3 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल के बाद 1/2 टीस्पून ज़ीरा। जब जीरा अच्छे से भुन जाएगा तब हम इसमें जो हमने आलू को कद्दूकस करके रखा है आलू को इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिला लेंगे ऑयल के साथ में। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऑयल के साथ में आलू को। तो बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता ये बनके तैयार होता है और बहुत ही जल्दी बनके रेडी भी हो जाता है। अब मैंने यहाँ पर एक गाजर ली है मीडियम साइज़ की, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। इसको भी इसी में मिक्स कर लेंगे। आप अपने मनपसंद की कोई भी सब्ज़ी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन सब्ज़ियों को आपको थोड़ा बारीक चॉप करना है। दोनों को अच्छे से आपको यहाँ पे मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। सब्ज़ियों को अच्छे से फ्राई करने के बाद इसके बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे। 1 गिलास के करीब पानी ऐड कर रही हूँ। अब ऊपर से ऐड करेंगे हम चिली फ्लेक्स। अभी मैंने 2 गिलास ही डाला है, अभी मैंने 1/2 गिलास मुझे और यहाँ पानी ऐड करना है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दें। 1/2 गिलास पानी और ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे। 3 से 4 मिनट बिना ढके इसको हमें पकाना है। ओपन करके ही पकाएँ जिससे कि आलू और जो गाजर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, तब तक आपको इसको पका लेना है। 3 से 4 मिनट में अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर चावल का आटा लिया है। अगर चावल का आटा नहीं है तो आप इसकी जगह सूजी का यूज़ भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ चावल का आटा लिया है, इससे नाश्ता जो है बहुत ही कुरकुरा और बहुत टेस्टी बनता है। तो अच्छे से चावल के आटे को आपको मिक्स करना है, जिससे कि ये सारा जो मॉइस्चर है, जो पानी है, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा। इसलिए अच्छे से आपको उसको मिक्स कर लेना है और 2 मिनट तक अच्छे से आपको उसको चलाना है। सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर दें। जब सारा मटेरियल अच्छे से मिक्स हो जाए और ये जो आटा है वो एक डो फॉर्म में आ जाए, तब आपको गैस की फ्लेम बंद कर देना है और इसको ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद इसको हम एक थाली में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो मैंने इसको एक थाली में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लें और इसको एक डो फॉर्म में आपको रेडी करना है। तो सभी को अच्छे से समेट लें और डो फॉर्म में इसको, जैसे आटा गूंथते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से एक डो बना लें। तो बहुत स्वादिष्ट नाश्ता बनता है। आप चाहें तो इसको रात को बना के इस तरीके से रख सकते हैं और सुबह आप इसको शैलो फ्राई या डीप फ्राई या आप इसको नॉर्मल भी स्टीम करके खा सकते हैं। अगर आप ऑयल नहीं खाते तो स्टीम कर लीजिए। स्टीम करके आप थोड़े से ऑयल में इसको नॉर्मली आप इसमें तड़का डाल के खा सकते हैं, नहीं तो आप इसको शैलो फ्राई या डीप फ्राई करके भी खा सकते हैं। तो ये तैयारी आप अगर रात को कर लेंगे तो सुबह आपके लिए नाश्ता बनाना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप सुबह बनाना चाहते हैं तो भी ये फटाफट बन जाता है। तो बस इस तरीके से गोले बना लेंगे। तो इस तरह रोल करते हुए मैं इसको, इसके बीच में मैं यहाँ पे थोड़ा सा होल कर रही हूँ, जिससे कि हमारा जो नाश्ता है वो चारों तरफ से अच्छे से पक जाएगा और बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा। तो इसको पीछे से भी इस तरीके से होल कर दें। थोड़ा सा हाथ से चिपक रहा है तो आप इसमें हाथ में ऑयल लगा लें और इस तरीके से आपको सारे रिंग्स बना लेने हैं। तो सारे नाश्ते को मैंने इसी तरीके से बना लिया है। तो जब भी आपके यहाँ गेस्ट आएँ, ये बच्चों को भी बहुत पसंद आता है, आप उनको टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं। बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। घर में स्नैक्स के रूप में, पार्टी स्नैक्स में आप इसको बना सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, इसमें हम ऑयल डालेंगे। आप जो भी ऑयल खाते हो वो ऑयल आप इसमें डालें। मैं यहाँ मस्टर्ड ऑयल में अपने रिंग्स को फ्राई कर रही हूँ। आप जो भी ऑयल खाते हो उसमें आप इनको शैलो फ्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ शैलो फ्राई कर रही हूँ। आप डीप फ्राई करके भी खा सकते हैं, आप स्टीम करके भी खा सकते हैं। तीनों ही तरीके नाश्ते को रेडी करने के लिए बेस्ट हैं। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से इस नाश्ते को बनाएं, खाएं और इन्जॉय करें। तो इस तरीके से आपको इसको चिमटे की मदद से पलटना है। थोड़ी थोड़ी देर में पलटते रहें जिससे कि दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्प हो जाएं और नाश्ता हमारा बढ़िया सा बन के तैयार हो जाए। सभी को इसी तरीके से आप पलटते रहें थोड़ी थोड़ी देर में।
उलट पलट के आपको इसको अच्छे से गोल्डन एंड क्रिस्प होने तक आपको इसको सेक लेना है। बीच में जो होल है ना, इससे हमारा नाश्ता अच्छे से पक जाएगा। बीच में बिल्कुल भी ये कच्चे नहीं रहेंगे। गैस की फ्लेम थोड़ी हाई ही रखनी है आपको, जिससे कि ये जो हमारा नाश्ता है ना, ये ऑयल को एब्जॉर्ब ना करे, इसलिए आपको गैस की फ्लेम को हाई रखना है। लो बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो जो हमारा नाश्ता है ना, ये ऑयल को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा और नाश्ता ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। इसलिए आपको इसको गैस की फ्लेम को हाई रखना है। बिल्कुल भी अंदर ये कच्चे नहीं रहते, क्योंकि इनको हमने पका के ही डाला है, ये कच्चे बिल्कुल भी नहीं है। तो बस नाश्ता हमारा बन के तैयार है, एक एक करके हम सभी को निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पे इसको टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है। आप अपनी मनपसंद चटनी के साथ इस नाश्ते को एंजॉय करिए, बच्चों को भी खिलाइए, आप भी खाइए और एंजॉय करिए। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, फॉलो करें हमें फेसबुक इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे। प्लीज़ ट्राई करिए, मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइए मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।